खबर शामिल करेंगे। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का ख्वाजा सराओं को मरदमशुमारी में शामिल करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई। मार्च को मरदमशुमारी में ख्वाजा सराओं को शामिल किया जाएगा, डिप्टी अटॉर्नी जनरल का कहना है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मंसूर अली शाह ने ख्वाजा सराओं को मरदमशुमारी में शामिल करने का हुक्म दे दिया है। आपको ये बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट में इस सिलसिले में आईनी दरख्वास्त दायर की गई थी और इस सिलसिले में डिप्टी अटॉर्नी जनरल का यह कहना है कि मार्च की मरदमशुमारी में ख्वाजा सराओं को भी शामिल किया जाएगा। मरदमशुमारी होने वाली है और इस सिलसिले में एक आईनी दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट में दायर की गई थी जिसकी समाअत हुई है और इस पर हुक्म दिया है चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मंसूर अली शाह ने। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। अशफाक बताइएगा इस हुक्म से मुतालिक। जी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने आईनी दरख्वास्त की समाअत की है और अदालत के रूबरू शिराज का एडवोकेट ने ये मौकफ इख्तियार किया था कि 2017 मार्च में होने वाली मरदमशुमारी में ख्वाजा सराओं को शामिल नहीं किया जा रहा, जिससे ख्वाजा सराज जो है उनके साथ मुआशरे में इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। दरख्वास्त में ये भी करार दिया गया कि आइन के तहत ख्वाजा सराज भी इस मुआशरे का हिस्सा है और उनको भी मरदमशुमारी में शामिल किया जाना चाहिए। इस मौके पर अदालत में वजारत बहबूद आबादी ने भी अपना जवाब जमा करवाया और ये कहा कि ख्वाजा सराओं की जो शनाख्ती कार्ड का अमल है वो जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने हुक्म देते हुए ये कहा कि ख्वाजा सराओं को मरदमशुमारी में शामिल किया जाए और इस हवाले से आइंदा रिपोर्ट भी पेश की जाए। ठीक जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक।